एकदम सदाम शांति धाम में कौन जाते हैं? अल्लाह नहीं होता बारह नहीं तीस बारह तीस बारह सड़सठ बाबा ये प्रकाश सुमनी दादी ने जो शरीर छोड़ा है अब ये सूक्ष्म शरीर में किस रूप में सेवा करेंगे? अभी सात आठ दिन हो गए पूरे हो गए तेरह दिन के लिए बोला पंद्रह दिन हो गए। उनका जो पहला संदेश आया था उस पहले संदेश में बताया था कि कुछ दिन बाबा के साथ रहेंगे फिर अपने फील्ड में जाएंगे। जैसे मैं बाबा के साथ रहकर ही उस ग्रुप में पार्ट नहीं बजाएंगे क्या? ब्रह्मा बाबा का ग्रुप अलग और कुमार का दादी का ग्रुप अलग। जिन आत्माओं के साथ सूक्ष्म शरीरधारियों के साथ उनको पार्ट बजाना है मुखिया बन के वो उनका पार्ट अलग। अभी तीखा पार्ट बजेगा क्या? स्थूल शरीर के बंधन में होती है आत्मा तब ज्यादा अच्छा पार्ट बजा सकती है तीखा बजा सकती है या सूक्ष्म शरीर के बंधन वाली आत्मा ज्यादा तीखा पार्ट बजाएगी? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। स्थूल शरीर से तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में भले रॉकेट से जाओ हवाई जहाज से जाओ टाइम तो लगेगा और सूक्ष्म शरीर से तो टाइम ही नहीं लगता। एक सेकंड में आत्मा कहाँ का कहाँ पहुंचती है थोड़े टाइम में कई जगह की सेवा कर सकती है। माया बेटी के रूप में करेगी या पार्श्व या नेगेटिव कौन सा है? पार्श्व रूप में सेवा होगी या नेगेटिव रूप में? अगर पॉजिटिव रूप में ही होना हो तो फिर सूर्यवंशियों के ग्रुप में पार्ट बजाए या चंद्रवंशियों के ग्रुप में पार्ट बजाए या इस्लाम वंशियों के ग्रुप में पार्ट बजाए है? नेगेटिव रूप में रोल जो है वो नंबर वार है ना। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन था। क्यों पहले एडवांस में नहीं बताया हुआ है कि इस्लामी जाके इस्लामियों में मिलेंगे सूर्यवंशी सूर्यवंशियों में चंद्रवंशी चंद्रवंशियों में जो जिस ग्रुप का है वो ग्रुप अपने ग्रुप में मिल करके पार्ट बजाएगा। चंद्रमा ही है वंशी क्या वो चंद्रवंशियों के तो मुखिया है, है? दादी उनके लिए भी काम करेंगे। सात आठ थोड़े दिन के लिए तो बताया है संदेश में के दस पंद्रह दिन के लिए बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाएंगे फिर अपनी जगह जाके पार्ट बजाएंगे सेवा के फील्ड में जाएंगे। उनका सेवा का फील्ड अलग इसे कैसा भी हुआ उनका सेवा का फील्ड अलग और ब्रह्मा बाबा का सेवा का फील्ड उनका ग्रुप अलग है। विज्ञान की सत्ता विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान। विज्ञान माना विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान? साधारण ज्ञान नहीं विशेष ज्ञान। ज्ञान तो बेसिक नॉलेज में था एडवांस में विशेष ज्ञान तो क्या अंतर हो गया? बेसिक नॉलेज वाले जो है वो साकारी स्टेज को नहीं छोड़ पाया किस स्टेज में रहे अरे आत्माओं ने बीज रूप स्टेज धारण की या नहीं की? बेसिकली नहीं धारण की हाँ इसलिए उनको डायरेक्ट बाप नहीं मिला। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे तो बेसिक वालों ने डायरेक्ट बाप से सीखना शुरू किया या पहले ही शरीर छूट गया? पहले ही शरीर छूट गया तो उनकी कैटेगरी अलग हो गई। बाबा दादी का
ठीक ही सेवा करेंगे तो क्या सकारात्मक रहेगी या नकारात्मक रहेगी? अभी तो पूछा तो अपने ग्रुप की करेंगे। आप कौन से ग्रुप में चले गए थे? हाँ इस्लाम धर्म के लिए। बाबा सचिन अनुसुईया माता ने ऐसा ज्ञान धारण किया जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के अहंकार को भी नीचा कर दिया है, तो वो ज्ञान और बेहद हाँ जो सती अनुसुईया होगी वो रुद्रमाला की ग्रुप की होगी या विजयमाला की ग्रुप की होगी? है रुद्रमाला की ग्रुप की होगी है? कौन सी ग्रुप की होगी? विजयमाला। प्योरिटी दिखाई है ना, एक शिव बाबा तो दूसरा में कोई बाबा। अभी हमने कहा कि हंडी फूट जाता है चार भागों में, आप समझे ना, एक बड़ा हंडा चढ़ाया जाता है उसमें चार भाग हो जाते हैं चावल के, चार भागों में फट जाता है। अभी बाबा माया बेटी का रोल कौन अदा करेगा? माया बेटी का रोल, माया बेटी का रोल कौन अदा करेगा? मन अरे कहते हैं ना, कई जवाब सुना है कहते हैं प्रकाशमणि दादी माया से, वो आधार मूर्त है या बीज रूप है? तो आधार मूर्त है तो उनका कोई बीज भी होगा कि नहीं होगा? है उनका कोई बीज नहीं होगा? हाँ बीज होगा। आधार मूर्त किस में प्रवेश करते हैं? बीज रूप में प्रवेश करते हैं, फिर तीखा पात चलता है। 75 से पहले तीखा पाठ था या 75 के बाद तीखा पाठ होता है? ज्ञान का बाद में तीखा पाठ होता है। क्यों? हाँ? पहले आधार मूर्त आत्मा ही प्रत्यक्ष थी ब्रह्मा बाबा, फिर बाद में वो आधार मूर्त आत्मा बीज में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो तीखा पाठ हो जाता है, ज्ञान आ जाता है ना। एक अज्ञानी हो लेकिन पावरफुल बहुत हो और वो उसको फिर ज्ञान मिल जाए तो ज्यादा ताकत हो गई ना। पहले देहभान में थे और वो देहभान स्थूल में छूट गया, फिर सिर्फ सूक्ष्म शरीर में और बीज रूप स्टेज में। और अगम्य का मतलब क्या है? अगम्य का मतलब क्या होता है? अगम्य माने जाना, गम्यते जहाँ जाया जा सके। और अगम्य माने जहाँ न जाया जा सके। उच्छेदन का उच्छेदन माने फाड़ देना, काट देना। छेद छेद मान होल कर देना, उत माने ऊंचे तरीके से छेद करना, माने गहरा छेद कर दिया, पूरा ही फाड़ दिया, आर पार कर दिया। ओ अभी एक डिस्कशन की सीडी में सुना था कि हेवन में सतयुग में दो वही रिश्ते होंगी, माता पिता और बच्चे, लेकिन एक और में सुना था कि भांजा और साला भी होंगी, तो ये क्या, इसका क्या मतलब? आपको मतलब तो मालूम है कि बीच बीच में ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करके बोलती है, तो जहाँ दो ही संबंध होंगे माँ बाप और बच्चे, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में है? ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? माँ बाप होंगे और वहाँ बच्चे होंगे, दूसरे संबंध होंगे नहीं, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? ये बेसिक नॉलेज का ज्ञान है कि एडवांस का ज्ञान है? हाँ है तो, लेकिन ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? और नाना चाचा काका ताऊ, ये ज्ञान तो ब्रह्मा में है ही नहीं, वो थोड़े जानते हैं। संगम युग की बातें सब शास्त्रों में लिखी हुई हैं,
और बाबा जो कुछ सुनाते हैं वो कहाँ की बातें सुनाते हैं? संगम युग की बातें सुनाते हैं। सबसे ऊंची स्टेज संगम युग में है या सतयुग में है? संगम युग में ऊंचे से ऊंची स्टेज है। तो यहाँ की बात है कि वहाँ दो कुल होंगे स्वर्णिम संगम युग में। कौन कौन से कुल? एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। तो चंद्रवंशी राधा होगी तो उसका कोई भैया भी तो होगा उसके समान पुरुषार्थी, होगा या नहीं होगा? तो भैया भी होगा। और उधर कृष्ण होगा तो कृष्ण होगा सूर्यवंशी, तो उसके समान पुरुषार्थी कोई बहन भी होगी। तो यहाँ की बात है एक साला होगा, एक भांजा होगा। गंगा मतलब गंगा जब तक न निकले तब तक विश्वनाथ कैसे प्रसिद्ध हो जाएगा? सबसे ज्यादा सेवाधारी बच्चा कौन सा है? गंगा, गंगा को सबसे ज्यादा सेवाधारी दिखाते हैं। ऐसे तो आठ और भी हैं सर के ऊपर, आठ मणके दिखाए जाते हैं शंकर के सर के ऊपर, वो भी सेवाधारी हैं बड़े बड़े बड़े, लेकिन उन आठ के बीच में ज्यादा सेवाधारी कौन है? गंगा का नाम तो बहुत महिमा है। तो गंगा ने जो सेवा की है उस हिसाब से बताया कि वो विश्वनाथ तब बनता है जब बच्चे गंगा जैसे बच्चे जो हैं वो सहयोगी बन जाते हैं। जरूर संन्यास धर्म का होगा क्या? बाबा ने बोला जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो गंगा निकलती है तो तुम्हारी जीत हो जाती है, अर्थात तुम विश्वनाथ संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हो। और बाबा भी ब्रह्मा कुमारी कहती है तो कभी वतन में है, वतन से हम बच्चों को आदान दे रहे हैं। जो जिस धर्म का हेड होगा, जो हेड है अपने धर्म का, तो वर है या निकट है? अपने धर्म में वर माना श्रेष्ठ है या नीचे है? श्रेष्ठ है। जो अपने धर्म का श्रेष्ठ है उसकी बातों पे उसके फॉलोअर्स को विश्वास हो जाता है। विश्वासम फलदायकम, तो वो उसके मुख से जो निकलेगा वो उसको वरदान समझेंगे। हाँ, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात में विश्वास करेगा, उसी को मानेगा, औरों की बात को नहीं मानेगा। और बाबा आपने बोला कि ये आत्मा रूपी सुई थी जब सारी कट बदल जाएगी तो तुम बचे बाप से डायरेक्ट से। ये किससे बोला? बेसिक वालों से बोला, एडवांस वालों से बोला? छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बोला। तुम्हारी बेसिक पढ़ाई है तो बेसिकली जब तुम्हारी कट उतर जाएगी तो बेसिक नॉलेज का मूल तंत्र तो यही है कि आत्मा बिंदु और परमात्मा बाप भी बिंदु। तो ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। ये प्रैक्टिस में जो पास होते गए वो डायरेक्ट बाप से सीखते गए, और जिन्होंने ये प्रैक्टिस पक्की नहीं कर पाई देवान में रहे, उन्होंने साकार बाप को साकार में आए हुए निराकार को नहीं पहचान पाए। माना एडवांस पार्टी में सब देवान को त्याग किए और बाबा 16,108 रानी है। 16,000 जो रानी होती है राजा की, तो राजा का फुल होल्ड किसके ऊपर होता है? हा? रानी के ऊपर फुल होल्ड होता है। तो जो सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर माना उनका तन मन धन सब एक के प्रति अर्पण हो गया, तो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो जो इस तरीके से 16,108 आत्माएं अपने को अर्पण में करती है, होती तो है नंबर वार,
तो उस हिसाब से वो वैसा पद पाती है और उनको वैसे ही चाल चलना पड़ता है, जहाँ बिठाए, जहाँ सुलाए, जहाँ ले जाए, जो खिलाए, जो पिलाए, वो सब करना पड़े। इसलिए 16,108 ही प्रिंसिपल्स बनते हैं राज परिवार के, जो राज घराना है, जो राजयोग बाप आकर सिखाते हैं, उसे सीखने वालों में जो राज घराने की लिस्ट में आते हैं वो कितने बनते हैं, जो सरेंडर हुए वो ही 16,108 की लिस्ट में आते हैं। माताएं बेचारी पटपटाती हैं, अरे हम तो बंधन में, हम कैसे आवेंगे, लास्ट तो फास्ट भी हो सकते हैं। जैसे सन 47 में जो बांधेली माताएं थी, कन्याएं थी, 7-7 तालों के अंदर रखी गई थी, अंत में उनके बंधन कटे या नहीं कटे, कट गए। ऐसे ही यहाँ भी कुछ ऐसा होगा अजूबा गरूबा जो कोई की बुद्धि में नहीं है, लास्ट ट्रेन चलेगी, जिनको जाना होगा तो निकल जाएंगे, लास्ट में आवेंगे और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि फास्ट चले जाएंगे। और बाबा जब 2018 में या 19 में जब नारायण वाली आत्मा कंचन काया बना लेगी और राधा कृष्ण का जन्म हुआ, तो जब कंचन काया बन जाती है उस वक्त वो बाहर वाले की दुनिया में सेवा कर पाएंगे, क्योंकि कंचन काया के साथ बाहर की दुनिया का मैच हो पाएगा क्या? कंचन काया भी दो तरह की है और शरीर भी दो तरह का है, कौन कौन सा है, एक सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर माने पांच तत्व जो स्थूल रूप में है दुनिया में, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 2036 से पहले सत्व प्रधान बनेंगे या बाद में सत्व प्रधान बनेंगे, है? पहले दुनिया का विनाश होने से पहले बन जाएंगे। पांच तत्वों की जो दुनिया है, जड़ प्रकृति है, वो अपना विकराल रूप कब तक धारण करती रहेगी? आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। पांच तत्वों की जो दुनिया है माने प्रकृति है, वो विकराल रूप धारण कब तक करती रहेगी, कोई लिमिट है, है? कब होगा? वो टाइम कौन सा है, निश्चित हुआ कुछ? 2036 उससे ज्यादा तो है ही नहीं गुंजाइश। तो प्रकृति पांच तत्वों वाली 2036 तक विकराल रूप धारण करती रहेगी। उस विकराल रूप धारणी के सामने कोई भी टिकेगा ही नहीं, या तो सूक्ष्म शरीर धारण करे। सेवा चलती रहेगी, जब तक जीना है तब तक पीना है। वहाँ तेल अच्छा होता है या घी अच्छा होता है? घी अच्छी चीज है, तेल तो अच्छी चीज नहीं है। तेल माना कुछ थोड़ा व्यभिचार है और घी माना प्योर घी है, प्योर पवित्र घी कहा जाता है। तो कन्या माताएं जो हैं वो व्यभिचारिणी है या अव्यभिचारिणी है पुरुषों के मुकाबले? अब भी विचारणी है, धोखा ही शनिदेव के पास जाए और चढ़ाए और तो लपेट में ले लेगा। और महावीर में घी चढ़ाते महावीर में ही बंधन और घी लगा कर चढ़ाते। हाँ जी, हाँ जी,
महावीर मन हाँ बजरंगबली के मंदिर में हाँ सिंदूर चढ़ाते हैं। हाँ सिंदूर किस बात की निशानी? सिंदूर जो लगाते हैं वो मांग भरते हैं तो क्या भरते हैं? सिंदूर भरते हैं ना। हाँ मांग पूरी करना तो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, हमारी मांग पूरी करे। भक्ति मार्ग में तो जैनी लोग महावीर उसी आत्मा को कहते हैं, हिंदू लोग भी उसी को महावीर कहते हैं। कन्याएं माताएं हैं वो शौर्यवान को पसंद करती है या धनवान को पसंद करती है? शौर्यवान को, जो ज्यादा बलवान होते हैं, वीरवान होते हैं, शौर्यवान होते हैं, बड़े बड़े वीर होते हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं, शोहरत वाले को। तो किसी ने प्रश्न उठा दिया ये पवित्र नहीं है। समाज में प्रदूषण फैल रहा था, क्या पवित्र को भी रख लिया तो राज्य का क्या हाल होगा? राज्य में भी सब ऐसा राजा तथा प्रजा भी ऐसे ही करने लग पड़ेंगे तो बुरा होगा या अच्छा होगा? प्रजा जो है उसकी बुद्धि में भी यही बात फैला, जब राम ने रख लिया तो हम भी अपने घर में व्यभिचारिणी औरत को रख ले तो बतंगर ना बने, इसलिए उन्होंने जंगल में भेज दिया। प्रकाश मणि गर्दी इस्लाम धर्म की है तो अभी उसको दफनाया नहीं है, जलाया है? जलाने वाले जलाएंगे या इस्लाम धर्म वाले ही जलाएंगे? ब्रह्मा बाबा को तो जलाने वाला कौन था? हाथ में सत्ता किसके थी? इस्लामियों के हाथ में सत्ता थी। अब इस्लामियों के बाद फिर कौन से धर्म के हाथ में सत्ता आती है? बौद्ध धर्म के हाथ में सत्ता आती है तो बौद्ध दाई ओर के हैं या बाई ओर के हैं? दाई ओर के भारतीय हैं या विदेशी हैं? तो भारतीय क्या करते हैं? मतलब इस जन्म में वो इस्लामी नहीं है। कौन? अरे जलाने वालों के ऊपर है ना, हमारे ब्रह्मा बाबा को जलाया गया, ब्रह्मा बाबा को जलाया गया और उनका मॉन्यूमेंट बना दिया तो बनाने वाले ने बना दिया, इसमें ब्रह्मा बाबा का क्या दोष? वो तो आत्मा गई, शरीर को कुछ भी करो और उसकी राख को कुछ भी करो। हाँ जो रह जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे हाँ वहाँ गुम्बद बना दिया, मॉन्यूमेंट बना दिया, जैसे मुसलमान और क्रिश्चियन बनाते हैं। हाँ ये बनाने वाले परंपरा डाल दी, आज भी मुसलमान और क्रिश्चियन लोग वो ही करते हैं। राजाओं राजाए नई नई परंपराएं चला देते हैं, वो परंपराएं चलती रहती है। वहाँ डायमंड हाल है, वहाँ कभी गुम्बद बना हुआ है? वो तो हाल बनाया, कोई चैतन्य की यादगार नहीं है। और जब फाइनल पेपर होंगे तो माया विकराल रूप धारण करेगी या जैसे अभी तक साधारण रूप में परीक्षा लेती थी ऐसे ही लेती रहेगी? डर लग रहा है। अरे चारों तरफ जो है जो भगवान का पार्ट है उसकी ग्लानी बढ़ेगी या घटेगी? दुनिया में ग्लानी और बढ़ेगी, जब ग्लानी बढ़ेगी तो वो कलंक के धर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा। कलंक जब ज्यादा लगेंगे वातावरण सारा ही बिगड़ेगा, तो बांधेली माताओं के ऊपर, कन्याओं के ऊपर या जो भी और भी जो ना बांधेली माताएं हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, उनका बंधन बढ़ेगा या कम होगा? है बंधन और ज्यादा बढ़ेंगे,
तो परीक्षाएं ज्यादा आएंगी या कम आएंगी? परीक्षाएं और ज्यादा आएंगी, तो माया भी रूप हुआ ना। उस समय पर एक बाप की आत्मा था, हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ बाबा, अष्ट देवों में तो दो को क्लियर कर दिया। अच्छा, वो तो दुनिया जानती है, ठीक है, दुनिया में दो क्लियर पहले होते हैं, माँ और बाप। तो यहाँ सूर्यवंशी में कौन क्लियर पहले होंगे? माँ और बाप ही क्लियर पहले होंगे, बाकी तो बच्चे हैं, बच्चे बाद में पैदा होते हैं, तुरंत पैदा हो जाते हैं। बाबा ये 2018 से पहले किए हैं? 2018 से पहले? हाँ पहले ही हो जाएंगे, 2018 से पहले नहीं होंगे तो फिर ये कृष्ण कोई अकेले जन्म लेगा क्या? कृष्ण जो है वो बच्चा है या पूर्वज है? बच्चा है तो उससे पहले पूर्वज होंगे कि नहीं होंगे? टूलेट का बोर्ड का मतलब ये है कि फिर जो भी आत्माएं आएंगी ज्ञान में वो फिर सूर्यवंशियों की लिस्ट में नहीं आएंगी। हाँ तो और धर्मों का नंबर नहीं लगने देंगे, और धर्मों की मालाएं नहीं बनने देंगे? बाबा सत्युग में भी जो सात नारायण होंगे अलग अलग धर्मों के होंगे, तो अलग अलग नारायणों के नाम मिलेंगे, फॉलोअर्स वहाँ आएंगे ना? ऊपर से आएंगे, सत्युग में आएंगे ना? हाँ गिरती कला के सत्य में आएंगे। इंद्रा जी ने ट्राई गए भाई, जो पद मिलता है पद जो मिलेगा, ज्ञान ज्यादा होना चाहिए पुरुषार्थ के आधार पर, दोनों में भाई पुरुषार्थ ज्यादा कौन करेगा? अज्ञानी ज्यादा पुरुषार्थ करेगा या ज्ञानी ज्यादा पुरुषार्थ करेगा? ज्ञान होगा तो पुरुषार्थ करेगा, नहीं तो पुरुष कोई नहीं समझेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का बाप कौन है। बाबा ने जो कहा मेन जो ज्ञान है वो तो गया, एक बाप को जानो और उसको याद करो। आप भी आत्मा को ना जानो, बाप को जानो याद करो, बाकी जो साइट का जो ज्ञान है वो अपनी आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ना हो। जितना अपनी आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होगा बात, तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का भी ज्ञान हो जाए, और परमात्मा जो ज्ञान है ये क्या बनेगा वो क्या करेगा उसको अगर ना भी हो तो वो ही उसके अंदर ही मंथन चलेगा जो दूसरों की सेवा करेगा। दूसरों की सेवा नहीं करेगा, ज्ञान देने से बढ़ता है ये अपने आप बढ़ता है, देने से बढ़ता है, तो दूसरों की सेवा करेगा तो उसको मेवा मिलेगा, ज्यादा बुद्धि चलेगी। दूसरों की सेवा ही नहीं करेगा तो ज्ञान का विस्तार कैसे होगा? जो पद मिलेंगे वो सेवा के आधार पर पद मिलेंगे कि किसी ने सेवा नहीं की और उसको पद मिल जाएगा? सेवा के आधार पर पद मिलेंगे। जो जितना सेवाधारी बड़ा साबित होगा वो अभी भी पता चलता जाता है, कौन कितनी सेवा, किस किस कितनी सेवा सफल हो रही है, और सेवा तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट खराब निकलता है, इसका मतलब कहीं विचारी बुद्धि बनी हुई है। अव्वल नंबर सेवा क्या है? अव्वल नंबर सेवा क्या है? अव्वल नंबर पद क्या है? तो बात समान सेवा, अव्वल नंबर सेवा है। बाबा असल में वो नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष होने की ताकत नहीं है, वो वैष्णो देवी आएगी तभी प्रत्यक्ष होंगे। वैष्णो देवी आएगी तभी प्रत्यक्ष होंगे, उससे पहले प्रत्यक्ष होंगे? वैष्णो देवी आएगी तो परिवार में आवेगी या सिर्फ अपने पति के पास आवेगी? कहाँ आवेगी? अरे दो परिवार होंगे ना, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी, एक सिर्फ सूर्य को मानने वाले। ज्ञान सूर्य शिव ने जो भी बोला उन बातों को मानने वाले, और किसी देहधारी की बात को मानने वाले नहीं।
और एक वो होंगे जो चंद्रवंशी होंगे। क्या सूर्य की बात माने ना माने लेकिन चंद्रमा की बात को जरूर मानेंगे। तो दो प्रकार के हो गए। और बोले बोले गैप नहीं होने दो बाबा। साउथ में एक मंदिर है भगवान कार्तिक के साथ, वहाँ पे उनका मतलब वहाँ पे एक प्रचलित है कि वो अपने माँ से नाराज होके पार्वती जगदम्बा से नाराज होके वो वहाँ जाके अपना पूरा मास मतलब उतार के वो मतलब उन्होंने वहाँ पूरा अपना मास रखकर त्याग किया। वहाँ पे भी पुरुषों का ही जाना है, स्त्रियों का जाना वहाँ पे भी वर्जित है, तो वहाँ का क्या कार्तिकेय कहते किसको है और उनका रूप क्या दिखाया जाता है? जो नाम पड़े हैं वो उनके काम के आधार पर पड़े हैं कि ऐसे ही नाम पड़ गए? यहाँ कुछ काम किया होगा तो उनका नाम है कार्तिकेय। माने तिक तिक बहुत की है ज्ञान की। बाप को असली रूप में जिस रूप में पहचानना चाहिए, अपने पार्ट को जिस रूप में पहचानना चाहिए कि मेरी सीट क्या है, अगर अपनी सीट को कार्तिक ने पहचाना होता तो टिक टिक करता है? नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण जो बड़ा भाई बाप समान होता है उस स्थिति को पहचानने न पहचानने के कारण टिक टिक करते रहे। प्राप्ति नहीं होती टिक टिक करने से। जो भी इस्लाम धर्म के मुखिया हैं, उनमें मुख्य पार्ट बजाने वाला कौन है? जो भी विधर्मी है उन विधर्मियों में सबसे जास्ती पावरफुल विधर्मी कौन है? इस्लाम धर्म। और उनका मुखिया है इब्राहिम। इब्राहिम का आधार मूर्त और उससे भी मुखिया बीज रूप। तो बीज रूप हुआ कौन सा? विदेशियों का विधर्मियों का मुखिया। कितने धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान के बच्चा माने वारसदार बन जाते हैं? नहीं विधर्मी हो बताओ। वो तो स्वधर्मी तो है ही नहीं। वो टिक-टिक करता रहा तो स्वधर्मी कहाँ हुआ? विधर्मियों में कितने धर्म हैं जो भगवान बाप के बच्चे बनकर के वारसदार बन जाते हैं, राजाई का वर्षा पा लेते हैं कुछ न कुछ है? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सन्यासी मुस्लिम सिख ये छह ही धर्म तो है। आर्य समाज की गद्दी कुछ ऐसे होती ही नहीं। और तो नाम मात्र की बादशाही है। बादशाही किस बात की? प्रजा के ऊपर प्रजा का, वो खुद ही प्रजा होते हैं क्या? तो ये छह प्रकार की बुद्धि होती है उसकी। छह मुख दिखाए जाते हैं किसको? कार्तिकेय को। षड मुख कहा जाता है। छह मुखों से छह धर्मों को कंट्रोल करता है क्या? हाँ। तो जो जो भी विधर्मी हैं वो पवित्रता को पालन करने वाले हैं या व्यभिचारी बनने वाले हैं? विचार में आसक्त होने वाले हैं। वो विचार में आसक्त होने के कारण कन्याओं माताओं को वहाँ पूजा करने के लिए वर्जन किया हुआ है कि उसके पास जाओगे तो वो क्या बनाएगा? विचारी ही बना देगा। इसलिए कन्याओं माताओं को कार्तिकेय की पूजा नहीं करनी। और क्या बताया उसके मंदिर में? नाराज होके चले गए माना सन्यासी बन गए। माँ बाप को बच्चा त्याग दे तो बाल ब्रह्मचारी कहा जाएगा ना, लेकिन सन्यासी है गृहस्थी है सन्यासी हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे मास से जो जो मिला है, मास मिलता है ना मास से, उन्होंने वहाँ
देवान को हाँ, फिर भी हड्डियाँ तो रह जाती हैं। माँ से हड्डियाँ मिलेगी नहीं मिली कि बिना हड्डी के पैदा हो गए। जगदम्बा को लाने के कोई निमित्त तो बनता होगा। जगदम्बा को लाने के निमित्त, जगदम्बा को ले जाने के निमित्त कौन बनते हैं? लाने के निमित्त कौन बनेंगे? है जो ले जाएंगे तो उन्हीं को लाना पड़ेगा। जो व्यभिचारी बनाएंगे उन्हीं को प्रयास करना पड़ेगा व्यभिचारी बनाने के लिए। भक्ति मार्ग में दिखाया है कि राम जी लेने जाते हैं सीता को अंत में, राम जी लेने जाते हैं सीता को अंत में, हनुमान जी लेने जाते हैं तो उनको नहीं, उनके साथ नहीं आते हैं। और फिर अंत में रावण का वध करके वो राम ही लेने जाते हैं। अभी तो सारी कथा कहानी बता दी राम की, राम बाप की भूल गए हैं? दुनिया की सबसे जास्ती राक्षसी आत्मा कौन और दुनिया की सबसे जास्ती दैवी आत्मा कौन? नरक की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हाँ तो कुछ तो पूछते हैं। चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है और चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की भी है। पहले चंडीगढ़ राजधानी हिमाचल प्रदेश की भी थी, अभी हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया, उसकी शिमला राजधानी हो गई। लेकिन अभी भी दो राज्यों की राजधानी है कहाँ? चंडीगढ़ है।
क्या बेहतर। अभी अभी जो राजधानी तैयार हो गई है वो चंडी का गढ़ है या पांडवों का गढ़ है? हाँ? अभी चंडिका देवी काम कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। गढ़ माने किला। तो जब तक चंडिका देवियों का प्रभाव है तब तक राजधानी चंडीगढ़ ही कहेंगे या पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? हाँ चंडीगढ़ ये। कर्मातीत अवस्था का मतलब कर्म करते रहे और उन कर्मों का कोई हिसाब किताब न बने, अतीत हो जाए। जैसे शिव बाबा, शिव इस शक्ति पर आता है, साकार में कर्म करता है लेकिन कर्मों का बंधन उसको नहीं लगता, तो वो सदैव कर्मातीत है या नहीं है? है? सदैव कर्मातीत है। और हम बच्चे नंबरवार कर्मातीत अवस्था धारण करते, सदा के लिए धारण करते हैं, नंबरवार कर्मातीत अवस्था धारण करते हैं। कोई पहले कर्मातीत बन जाएंगे और कोई बाद में कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत क्या होता है? कर्मातीत का मतलब कर्म किया, चाहे पाप कर्म किया और चाहे पुण्य कर्म किया दुनिया की दृष्टि से, लेकिन करने वाले के ऊपर कोई उसका न पाप लगा और न पुण्य लगा। इसलिए गीता में लिखा है कि जो स्वरूप निष्ठात्मा है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। हाँ, वो अपनी स्थिति में स्वस्थित रहता है। जो देवहान में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, हम भी कुछ है, वो टकराते हैं। पाप तो उनके ऊपर लगेगा। हाँ, तो जो देवहान में रहेंगे उनके ऊपर पाप नहीं लगेगा। कर्मचित करण करावन हार कौन सी आत्मा है? शिव बाबा ही करण करावन हार है। और कोई अपने को समझ ले कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, तो फिर अहंकार हो गया। कर्मातीत अवस्था है ना, वो गीता पाठशाला में बैठकर पुरुषार्थ करने से हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? गीता पाठशालाओं का जाने की गीता, गीता पाठशालाओं का अगर गायन नहीं है तो गीता मंदिर क्यों बने हुए? गीता मंदिर किस बात की यादगार है? कि भगवान ने आकर के गीता ज्ञान दिया है गीता मंदिरों में। सुप्रीम सोल आकर के गीता ज्ञान सुनाता है, तभी तो गीता मंदिर बने हुए हैं यादगार। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों नहीं बने हुए नाम से? और मुरली में ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम देने के लिए क्यों बोला? हाँ, माउंट आबू जाने की दरकार नहीं है क्या? माउंट आबू जो हो तुम बच्चे परमधाम को इस शक्ति पर उतार लेंगे तो परमधाम जाने वाले बच्चे पढ़ाई पढ़ने वाले स्टेज में होंगे या निराकारी स्टेज में स्थिर होने की प्रैक्टिस पक्की रखने वाले होंगे? है? पढ़ाई पढ़ने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाली जाएंगे। परम धाम जब इस शक्ति पर उतर आएगा तो उस परम धाम में शांति धाम में शक्ति के अंदर जो शांति धाम बनेगा उसमें संपूर्ण स्टेज को प्रैक्टिस करने वाली आत्माएं जाएंगी या अधूरी आत्माएं जाएंगी? संपूर्ण। हाँ, और ठीक बात है। सदगुरु के तरफ किसी क्यों नहीं जाता? देखो दूर है ना बृहस्पति, अभी तो बृहस्पति बृहस्पति ग्रह जो है ना वो प्रैक्टिकल बाबा नजदीक है। हाँ। है नजदीक, पूरा जान लिया, पूरा पहचान लिया,
नजदीक होना माने क्या, चिपक के बैठ जाओ उसे नजदीक कहेंगे या बुद्धि में चिपका रहे उसे नजदीक कहेंगे? आत्मा के नजदीक किसे कहेंगे? सदैव याद रहे तो नजदीक, और गोद में बैठा रहे जैसे वो ब्राह्मण बन गए। दो प्रकार के ब्राह्मण बन गए ना, एक मुखवंशावली एक कुखवंशावली। तो कुखवंशावली ब्राह्मण क्या समझते हैं? हम बहुत नजदीक है, सभा लगेगी तो कहां जाके बैठेंगे, है एकदम चिपक के बैठेंगे। संदेश आ रहा है, शरीर छोड़ दिया तो भी संदेश में क्या आता है? वही बात। सुप्रीम कोर्ट के डर है वो, हाई कोर्ट के डर है। और जिनका रुद्रीय भी रचा जाता है, रुद्रीय भी रचा जाता है तो कितने शालिग्राम बनाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा? लाख डोला, इससे ज्यादा शालिग्राम सुबह से शाम तक कोई बना ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा डोला, क्योंकि सूर्यवंशी भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए। बाबा डांस कैसे करें? माने शंकर जी को डांस करते हुए दिखाया जाना चाहिए। सच तो बिठो नच, बाप के सामने जो जितना सच्चा होगा उतना डांस करता रहेगा, नाच करता रहेगा। बड़ा मूला, मूला माने जड़, ट्रायंगल तीन एंगल में, क्या जो बड़ा मूला कौन है? दुनिया में सबसे बड़ी जड़ पर बैठने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा। वो बड़ा मूला ट्रायंगल बना करके बैठी है अभी, क्या त्रिमूर्ति क्या है? त्रिमूर्ति क्या है? एक ट्रायंगल है, कुछ बड़ा मूला भी बैठा हुआ है। हद में यही है कि बड़ा मूला ट्रायंगल में बड़े से बड़े साइंटिस्ट जाने में घबराते हैं। यहाँ बड़ा मूला ट्रायंगल है अंध महासागर में, उसका नाम क्या है? अंध महासागर। कैसा सागर है? अंधा बनाने वाला। अंध महासागर में जो बड़ा मूला ट्रायंगल है वहां जाने से घबराते थे बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन्हें तो डर नहीं लगना चाहिए। उसका तंत्र निकाल पाया उन्होंने? बड़मूला ट्रायंगल में बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज और जो हवाई जहाज हैं, वो लोप क्यों होने लगे? इसका उन्होंने तंत्र निकाल पाया, सार निकाला? कोई कारण नहीं निकाल पाए। तो घबराते हैं दुनिया वाले, घबराते हैं, या जो जानकार होंगे वो भी घबराएंगे, वो नहीं घबराएंगे। अब यहाँ बेहद में ले लो, बेहद में जो एडवांस पार्टी वाले हैं, जो बड़मूला ट्रायंगल का अर्थ जानते हैं कि बड़ा मूला कहाँ काम कर रहा है, जैसे असली काम कहाँ कर रहा है, उसमें जाने से घबराएंगे? और बेसिक नॉलेज वाले और घबरा रहे हैं, कहीं हमें हम भी न मर जावे, अनिश्चय बुद्धि न बन जावे बेसिक नॉलेज से।
फरवरी के ब्रह्मा कुमारी का 15 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसने उन्होंने प्रचार माता मंचा बनाया, अभी प्रचार करने का माध्यम जो है ना उनका प्रचार प्रसार करने का माध्यम, उन्होंने अभी आध्यात्मिक उसको लगाया, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए और एडवांस कोर्स करने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे। अच्छा, तो पधारे बहुत लोग आए सुनने को, मगर उनका प्रचार माध्यम जो ब्रह्मा कुमारी जहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखते थे, अभी उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए, तो नाम डालने से आध्यात्मिक बन जाएगा? नहीं नहीं बनेगा, उनका बोलने का मतलब मैं प्रसार बदल दिया। आज कलकत्ते में ढेर सारी दुकानें हैं जिन पर लिखा है दादा लखीराज की सच्ची हीरो की दुकान, सोने चांदी की दुकान, तो क्या सच्चे हैं? और सबने उनको सच्चा मान लिया क्या? काशी में मरने का कनेक्शन है, मरने का कनेक्शन जीते जी मरने की बात है या शरीर से मरने की बात है? जीते जी जो मरते हैं वही काशी में मरते हैं। और सचिव त्रेता युग त्रेता का अर्थ ये हुआ कि बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, थोड़ी आत्माएं ऐसी हैं जिनके 12 जन्म होते हैं, और ढेर सारी आत्माएं ऐसी हैं चंद्रवंशियों से लेकर के जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, और इस्लाम बौद्ध या दूसरे धर्म में जो भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उन सब के 13 जन्म, क्योंकि उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मा के ही 13 जन्म है और ब्रह्मा की आत्मा ही प्रभावित कर देती है। तो ब्रह्मा की आत्मा इसलिए मैं मरता हूँ। हरी माँ है, माँ बच्चों से प्रभावित होती है, बाप प्रभावित होता है, तो वो भी ब्रह्मा है। इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, उनसे प्रभावित हो जाती है। और गंगा के किनारे पर बहुत सन्यासी रहते हैं, और गंगा पुत्र कौन ऐसा प्रश्न है? अम्मा की गोद में कौन रहेगा? अरे अम्मा की गोद में कौन रहेगा? बच्चे ही रहेंगे। तो गंगा पुत्र है, सन्यासियों में सबसे बड़ा पुत्र होगा या छोटा पुत्र होगा? सबसे बड़ा पुत्र होगा। हाँ? और सन्यासियों की अम्मा है या सूर्यवंशियों की अम्मा है? सन्यासियों की अम्मा है। खुद भी बाप को पहचानने के बाद सन्यास में रही होगी लंबे समय तक। बाप को पहचानने के बाद ही अपने पार्ट का ज्ञान होता है या पहले हो जाता है? जब तक बाप को पहचाने नहीं तब तक अपने पार्ट का किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। और गंगा, गंगा जो गंगा के रूप में पार्ट बजाने वाली है, भले प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उसको अपने पार्ट पर क्या निश्चय है कि मैं ही गंगा हूँ, मेरे अलावा और कोई गंगा का पार्ट नहीं हो सकता। हाँ, राम के संग होगी, राम के साथ होगी तो पावन होगी, या दूर होगी तो पावन होगी। हाँ? जो नदियाँ जो सागर से कनेक्टेड हैं तो पतित पावनी है, जिनका सागर से कनेक्शन नहीं वो नदी नहीं वो नाला है, तो गंगा मैली भी हो जाती। टाइम हो गया।